नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत की लेखन यात्रा पल्लव के साथ सिर्फ बुक ऑडियो पर। नमस्ते, मेरा नाम चेतन भगत है और आज मैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। मेरा जन्म 22 अप्रैल 1974 को नई दिल्ली में हुआ था। कई लोगों की तरह मेरी जिंदगी की शुरुआत भी साधारण थी, परंतु मेरे अनुभवों और संघर्षों ने मुझे वह लेखक बनाया जिसने कई युवा पाठकों के दिलों में जगह बनाई। मेरा बचपन भारतीय सेना के एक अधिकारी के घर में बीता। मेरे पिता लेफ्टिनेंट कर्नल थे और माँ एक वैज्ञानिक। परिवार में अनुशासन और शिक्षा की बहुत महत्ता थी। मैं हमेशा से पढ़ाई में अच्छा था और इसका परिणाम यह हुआ कि मुझे आर्मी स्कूल दिल्ली में पढ़ाई का मौका मिला। मेरे शिक्षा के सफर में IIT दिल्ली का चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यहाँ मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जो मेरे जीवन को एक नई दिशा देने वाला था। इसके बाद मैंने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद से MBA किया। यहाँ पर मैंने अपने जीवन साथी अनुषा से पहली बार मुलाकात की। पढ़ाई के बाद मैंने हांगकांग जाकर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम करना शुरू किया। हालांकि मेरा दिल लेखन में था, इसी जद्दोजहद में मुझे अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने का साहस मिला। मेरे पहले उपन्यास 5 Points Someone ने 2004 में प्रकाशन के बाद तहलका मचा दिया। यह उपन्यास IIT की जिंदगी पर आधारित था और युवा छात्रों के बीच इसकी लोकप्रियता ने मुझे लेखक के रूप में पहचान दिलाई। मेरी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वन नाइट एट द कॉल सेंटर, टू स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड। मेरे उपन्यासों को हिंदी सिनेमा में भी बड़े पर्दे पर जगह मिली। विशेषकर 5 Points Someone को 3 Idiots के रूप में फिल्माया गया जिसने मेरी लोकप्रियता को आसमान तक पहुंचा दिया। मेरी लेखनी ने मुझे कई सम्मान दिलाए जैसे सोसाइटी यंग अचीवर अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड, लेकिन जो पुरस्कार और मान्यता मिले वो मेरे लिए हमेशा से महत्वपूर्ण नहीं रहे। मेरी असली उपलब्धि तब है जब मेरा कोई काम लोगों के दिलों तक पहुंचता है। व्यक्तिगत जीवन में मेरी परवरिश ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। हालांकि मेरे माता पिता सख्त थे, लेकिन उनकी दृष्टि ने मुझे अनुशासन और लक्ष्य की अहमियत सिखाई। अपने ऊपर विश्वास करना और कभी हार नहीं मानना, यही मेरे जीवन का मूल मंत्र बन गया। मेरे लेखन पर मेरे परिवार का बहुत प्रभाव रहा। मैं अक्सर अपने माता पिता को अपने अनुभवों के माध्यम से याद करता। नए लेखकों के लिए मेरा एक संदेश है, हमेशा अपने सपनों के पीछे भागो। लेखन में निरंतरता और अभिव्यक्ति की आजादी बहुत महत्वपूर्ण। कई बार आपको आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उन आलोचनाओं को अपनी प्रेरणा में बदलने की कोशिश करें। भविष्य में मैं कई नई परियोजनाओं पर काम कर रहा हूं। मैं कई प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों के लिए संपादकीय लिखता हूं। मेरा दीर्घकालिक लक्ष्य एक लेखक, यूट्यूबर और पॉडकास्टर के रूप में अपनी पहचान बनाना। आज मैंने 14 किताबें लिखी हैं जिनमें से 10 उपन्यास हैं। मैं यह मानता हूं कि लेखन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये वो अनुभूति है जो लोगों के दिलों को छू लेती है। मैं हर दिन अपने विचारों और अनुभवों को साझा करके लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं। तो ये है मेरी कहानी, हर दिन एक नई चुनौती, और मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद।